हाँ तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड बताने जा रहा हूं। और वो वर्ड क्या है, उस वर्ड में कितने लेटर हैं और उस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये मैं पूरा बताने जा रहा हूं। और आप लोग ध्यान से सुनेंगे और चाहे तो कॉपी रखें और मैं वर्ड को तोड़ तोड़ करके उनका किस रूट वर्ड से आया है सबको बारी बारी से तोड़ तोड़ के बताऊंगा वो वर्ड क्या है। और अब मैं चालू करता हूं, आप देखेंगे वो वर्ड है, एक बार सुना देता हूं, वो वर्ड है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। वर्ड क्या है, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। और इसको मैं लिख देता हूं, न्यूमोनो स्पेलिंग देखिए, पी एन ई यू एम ओ, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रो, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो, सिलिको वोल्केनो के कोनियोसिस, कोनियोसिस एस आई एस। देखिए कितना लंबा चौड़ा वर्ड है और इसमें कितना लेटर आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 लेटर्स है इनमें। कितने लेटर्स हैं, 45 लेटर्स है। इसका मैं उच्चारण कर देना चाहूंगा, मैं आप लोगों के सामने वर्ड लिख चुका हूं और ये वर्ड है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। इसको कैसे पढ़ेंगे, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। न्यूमोनो आपको उच्चारण करना है मेरे साथ, तब आप बोल पाएंगे, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। आप बोलेंगे मन ही मन, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। अब उम्मीद करता हूं कि आपको वर्ड याद हो गया होगा। अब मैं अर्थ समझाने जा रहा हूं, न्यूमोनो किसको बोलते हैं, न्यूमोनो बोलते हैं हर्ट को, किसको बोलते हैं हर्ट को, एच ई ए आर टी हर्ट, हृदय दिल जिसको कहते हैं। अल्ट्रा का क्या क्या होता है, अल्ट्रा होता है अल्ट्रा माइक्रो, माइक्रो तो हुआ वेरी स्मॉल, माइक्रो क्या हुआ वेरी स्मॉल मीन्स बहुत छोटा, अल्ट्रा में और लगा जाता है बियॉन्ड सिंपल नॉर्मल, नॉर्मल से बहुत आगे वो बढ़ जाए, मतलब छोटा में है तो बहुत छोटा ना, अल्ट्रा का क्या हो जाता है और वेरी 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 हो जाएगा, माने कि हर्ट का एक बहुत सूक्ष्म स्कोपिक मींस लुक थ्रू माने दिखना, स्कोपिक एक जो है ये है आपका सफिक्स है। फिर कहता है सिलिको बनता है सिलिकन से आता है, सिलिको वोल्केनो कहते हैं ज्वालामुखी को, सिलिको क्या हुआ, सिलिको होता है सिलिकन, क्या होता है सिलिकन, यहां सिलिकन का अर्थ होगा डस्ट धूल कण, वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी, वोल्केनो अर्थ क्या होता है ज्वालामुखी, वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी, कोनियोसिस क्या है, कोनियोसिनो का अर्थ क्या हुआ वोल्केनो, ये जो वोल्केनो है इसका अर्थ क्या हुआ ज्वालामुखी, क्या हुआ अर्थ ज्वालामुखी। इस जगह नहीं दिख रहा है आप लोगों को, मैं यहां लिख देता हूं, वोल्केनो का अर्थ होता ज्वालामुखी, वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी। कोनियोसिस कहते हैं डिजीज को, डी आई एस ई ए एस ई, डिस जोड़ इज डिजीज ना, डिजीज। देखिए क्या हुआ, न्यूमोनो यानी कि हर्ट का, किस चीज का हर्ट का, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत छोटा छोटा दिखने वाला, बहुत बहुत अधिक छोटा छोटा दिखने वाला सिलिकन यानी कि डस्ट, कहाँ का डस्ट वोल्केनो का, ज्वालामुखी से निकलने वाले जो बहुत छोटे छोटे डस्ट होते हैं उनके कारण जो डिजीज होता है वो कहाँ होता है न्यूमोनो में यानी कि हर्ट में। तो हर्ट का एक रोग का ये नाम है,
न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस क्या है? ज्वालामुखी से निकलने वाले सिलिकन का कण यानी डस्ट का कण जो कि बहुत छोटा आकार का है, दिखने में सूक्ष्म और अल्ट्रा माइक्रो है यानी कि बहुत सूक्ष्म हो, उसके कारण जो हार्ट में डिजीज होता है उसी डिजीज को बोलते हैं न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। तो मुझे विश्वास है बच्चों कि आपको बड़ा मजा आया होगा। इसी प्रकार वर्ड लेकर के मैं समय समय पर आते रहूंगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।